सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी। सनत कुमार, तो वो चारों पुत्र ब्रह्मा जी को प्रणाम करते हैं और प्रणाम करके कहते हैं ब्रह्मा बड़े खुशी है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि बेटा तुम ऐसा करो वरदान मांग लो। तो जैसे कहा है कि बेटा तुम वरदान मांग लो, तो वो चारों बेटों ने वरदान मांगा, कौन सा? ब्रह्मा जी से। ब्रह्मा जी ने जो सोचा ना था वो मांग लिया। बोले अगर प्रभु वरदान लेना चाहते हो तो सुनो कि मैं बोले प्रभु इतना वर दो, ओ प्रभु के यश में सने रहे, माया ममता से बचे रहे, पांच ही बरसी के बने रहे। कहते हैं कि महाराज वे बोली प्रभु इतना वर दो, प्रभु ही के यश में सने रहे, माया ममता से बचे रहे, पांच ही वर्ष के बने रहे, ना मैं कभी माया जाल के चक्कर में पड़ू और मैं हमेशा भगवान का भजन करता रहूं और मैं हमेशा पांच ही वर्ष का बना रहूं, ना मैं छोटा हूं ना बड़ा हूं, ना तो चार वर्ष का हो जाऊं और ना छह वर्ष का, हम हमेशा पांच वर्ष के बने रहे। तो ब्रह्मा जी ने एवं अस्तु कह दिया, बोले ऐसे ही होगा। लेकिन ब्रह्मा जी को वरदान देते समय गुस्सा आ गया और जब गुस्सा आया है तो आगे वाले बच्चे वो चिल्लाते हैं, ऐसा लग रहा मेला चालू है। कहते महाराज अब ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया तो ब्रह्मा जी ने अपनी भ्रकुटियों को ऊपर को खींचा। भ्रकुटी कहते हैं दोनों भौवों को। तो भ्रकुटियों को जैसे ऊपर की ओर खींचा है तो ब्रह्मा जी की भ्रकुटियों के बीच से एक बालक का जन्म हो गया। वो बालक जन्म लेते ही जोर जोर रोने लगा और रोकर कहता है कि हे ब्रह्मा जी तुमने मुझे जन्म दिया है तो मेरा नाम भी रखा होगा। बोले ब्रह्मा कहते बेटा तुम जन्म लेते रोने लगे तो तुम्हारा नाम है रुद्र। बोलिए रुद्र भगवान की। अब रुद्र भगवान अपने लोक में जाकर तामसी जीवों को प्रकट करते हैं, ततैया बरैया बिच्छू जीव जंतुओं को प्रकट करने लगे तो ब्रह्मा ने उन्हें मना किया। अब ब्रह्मा परेशान है कि मैं सृष्टि को बढ़ाऊं कैसे, तो एक कन्या को प्रकट किया जिनका नाम था सरस्वती। और ब्रह्मा जी के कहते महाराज 10 और पुत्र हुए जिनमें अत्रि मुनि आते हैं, बाबा नारद आते हैं, कश्यप ऋषि जी आते हैं। तो जब कन्या को प्रकट किया है और आज भगवान को बुलाया, भगवान से कहते हैं कि प्रभु जिस प्रकार से एक बिना तेल के बिना एक सूखा दीपक नहीं जल सकता,
उसी प्रकार से केवल नर के बिना ये नारी के बिना संसार नहीं चल सकता है। अगर नर ही नर प्रकट होंगे, नारी नहीं होंगी, तो संसार आगे नहीं बढ़ेगा। और मैंने इस कन्या को जन्म दिया है, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इस कन्या से कुछ मदद लूं जिससे सृष्टि आगे बढ़े। तो भगवान तो कुछ नहीं बोले, लेकिन बाबा नारद जो ब्रह्मा के बेटा बोले, पिताजी बोले हाँ, बोले इसे तुमने जन्म दिया, बोले हाँ, और जन्म दिया है तो ये तुम्हारी हुई बेटी और हमारी हुई बहन, और बेटी के साथ में आप ऐसा करोगे तुम्हें शर्म नहीं आती? अरे अगर आप ऐसा करोगे तो आगे आने वाले समय में पिता और बेटे का दूसरा ही भाव दिखाई पड़ेगा। बाबा नारद ने ब्रह्मा को ऐसे कटुवचन कहे तो ब्रह्मा जी ने लोभ लाज के कारण, शर्म के कारण अपना शरीर छोड़ दिया है, दूसरा शरीर धारण किया। जो शरीर छोड़ा उस शरीर का मंथन किया गया, बाएं अंग से शत्रुपा और दाएं अंग से स्वयंभू मनु का आज जन्म होता है, जिनका विवाह करवाया गया। स्वयंभू मनु मनुष्य मनुष्य कहलाया, और उन्हीं स्वयंभू मनु और शत्रुपा के दो पुत्र और तीन कन्याओं का जन्म हुआ। पुत्र हुए उत्तानपाद और प्रियव्रत, कन्याएं हुई आहुति देवहूति और प्रसूति। जो सबसे छोटी प्रसूति थी ना, तो कहते हैं प्रसूति का विवाह कश्यप जो महाराज, प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है। अब जैसे ही मैया प्रसूति का विवाह दक्ष प्रजापति के साथ में होता है, और दक्ष प्रजापति की और मैया प्रसूति की एक पुत्री हुई जिनका नाम पड़ा सती, और सती का विवाह हुआ भोले बाबा के साथ में। कहते हैं कि जब सृष्टि आगे बढ़ने लगी है, सृष्टि जब आगे बढ़ती है तो इधर कश्यप ऋषि की दो रानी आती, दो पत्नियां हैं, दिति और अदिति। अदिति से देवताओं का जन्म हुआ और मैया दिति से राक्षसों का। दिति के दो पुत्र हुए, हेणा कश्यप और हिरण्यक्ष। तो हिरण्यक्ष ने मैया पृथ्वी को चुरा करके विष्टा के नीचे जाकर छिपा दिया। तो ब्रह्मा ने भगवान से प्रार्थना की है, क्योंकि जब सृष्टि बढ़ने, बोलिए वाक्य बिहारी लाल की, सच्चे दरबार की। कहते महाराज जब सृष्टि बढ़ती है ना, तो ब्रह्मा जी के कमल के पत्तों के ऊपर जब सृष्टि नहीं रुकी, मनुष्यों का जन्म होता जा रहा है। और कहते हम सभी जो इंसानों का जन्म हुआ उन्हीं स्वयं मनु और शत्रुपा के द्वारा, हम सभी स्वयं मनु और शत्रुपा की संतानें हैं। जब हिरण्यक्ष ने मैया पृथ्वी को चुरा लिया, ब्रह्मा ने निवेदन किया, और जब निवेदन किया है तो उसी समय आज भगवान ने ब्रह्मा की नाक के छिद्र के द्वारा अवतार लिया, वाराह का। शुक्र बोलते हैं जिन्हें वाराह का अवतार धारण करके हिरण्यक्ष को मारा है, और हिरण्यक्ष को मार करके पृथ्वी को ला करके ब्रह्मा जी को सौंप दिया। आज भगवान ने जब पहला अवतार लिया है वाराह का, बोलिए वाराह भगवान की। इस प्रकार से आज धीरे धीरे पृथ्वी रचना होती है, भगवान बड़े ही खुशी हो जाते हैं। इधर जो मैया सती का विवाह भोले बाबा के साथ में हुआ था, सतयुग बीता, त्रेता युग लगा है, और जब त्रेता युग लगा तो एक बार मैया सती भोले बाबा से कहती है कि प्रभु
इस कैलाश पर्वत पर रहते रहते बड़ा समय व्यतीत हो गया। हमें कोई आप ऐसी जगह लेकर के चलो जहाँ भगवान का भजन होता हो, उनकी कथा होती हो, सत्संग होता हो। तो जैसे ये कहा, आज उसी समय भोले बाबा मैया सती की ये बात सुनकर बड़े प्रसन्न हुए और चल पड़े कैसे जा रहे हैं। भोले बाबा मैया सती को लेकर नंदी पर सवार होकर के चल पड़े हैं और चलते चलते आज पहुंच जाते हैं कुंभज ऋषि के आश्रम पर, जहां हमेशा ऋषियों महात्माओं संतों के भीड़ लगी रहती थी, जहां हमेशा सत्संग और भगवान की कथा होती रहती थी। तो भोले बाबा जैसे पहुंचे तो भोले बाबा को देखा है ऋषियों ने, प्रणाम किया, प्रभु आज मेरे अहो भाग्य है जो मैं आपके दर्शन कर रहा हूँ। बड़ा मान सम्मान किया, कथा चालू है तो मैया सती का मन उस कथा में नहीं लग रहा है। अब भोले बाबा विचार कर रहे हैं, हमें लगता है कि सती के ऊपर कोई भारी संकट आने वाला है, हमें लगता है ये कथा सती के लिए व्यथा बनने वाली, इनका मन नहीं लग रहा है। बोले बाबा सती से पूछते, सती हमें एक बात बताओ। क्या? बोले ये बताओ कि संसार में सबसे गहरी नदी कौन है। भैया कहती गंगा, बोले ना यमुना, बोले ना। कहते ये तो साधारण नदियां हैं, अगर इसमें कोई डूबने लगता तो कोई तैर कर निकाल ले या स्वयं तैर कर निकलावे। इस संसार में सबसे गहरी नदी है माया जाल की, जो दिखाई नहीं पड़ती है लेकिन गहरी बहुत है। अगर कोई फंस जाए तो ब्रह्मा जी भी नहीं निकाल पाएंगे मरते समय तक। इस संसार में सबसे गहरी नदी है माया जाल की, अगर जो माया जाल की नदी में डूबने लगता है, फंसने लगता है, तो उसे कोई जिंदगी भर निकाल नहीं पाता है। तो जैसे ये कहा, कथा बहुत सुनी है। कई दिन बीतने के बाद बोले महाराज अब आप अपने कैलाश पर्वत पर चलो। बोले ठीक है। आज भोले बाबा ने ऋषियों महात्माओं से विदाई ली है, नंदी पर सवार होकर जाने लगे। इधर कहते भगवान राम का अवतार भी हो चुका था, विवाह हुआ, 14 वर्ष का वनवास हुआ, और इधर कहते हैं पंचवटी से मैया सीता का हरण भी हो जाता है। और आज वही मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी शेषावतारी भैया लखन लाल आज चल पड़े हैं जंगल में, रोते फिरते घूम रहे हैं, सभी से पूछ रहे हैं क्या आपने हमारी सीता को देखा है, सभी से पूछ रहे हैं। और उसी रास्ते से भगवान भोले बाबा भी निकल पड़े। भोले बाबा ने जैसे अपने इष्ट देव को देखा, भगवान राम को, राम जी भोले बाबा को अपना इष्ट देव मानते थे और राम जी भोले बाबा को, भोले बाबा राम जी को, और सभी मानते हैं। कहते महाराज हर कोई व्यक्ति, हर कोई इंसान कोई ना कोई देवी देवता को सबसे ज्यादा मानता, उन्हीं को पूजता है, तो उनके वो इष्ट देव होते हैं।
कोई तो बालाजी को, कोई शंकर भगवान को, कोई राम जी को, कोई दुर्गा मैया को, कोई किसी को। तो आज भोले बाबा ने जैसे भगवान राम को देखा, नंदी से उतरकर आज लेट गए, दंडवत प्रणाम करते हैं, और राम शब्द उनके मुख से निकला और देख रहे हैं हमारे प्रभु आज जंगल में रोते फिरते घूम रहे हैं। राम रो रहे हैं, लक्ष्मण रो रहे हैं, सभी से पूछते हैं कि हे खग हे मृग मधुकर सैनी, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, हे खग हे मृग मधुकर सैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, तुम देखी सीता मृग नैनी, सभी से पूछते हैं भगवान केवल पेड़ पौधे और पशु पक्षियों से पूछ रहे हैं। तोता मैना पेड़ पौधे से, उस कुटिया से पूछते तुमने हमारी सीता को देखा है? वो तुम्हें बताकर गई है कि वो कहाँ गई है? आवाज लगा रहे सीता, तुमने हमें भेजा था कि मृग को मार कर ले आओ, मैं लौट कर आ गया हूँ, तुम कहाँ हो? अगर पास में हो तो कहीं आवाज लगाओ, मैं वापस आ गया हूँ। राम जी नंगे पैर सीता मैया को इधर उधर ढूंढ रहे हैं, रोते जा रहे सीता कि तुम बिन सीता मन घबराए, कैसे धीरी बनाए ये दिल घबरा गया, ये दिल घबरा गया है। भगवान राम जी कहते हैं सीता, ओ मेरी प्राणो प्यारी कैसी रहेगी बिना तेरे, घबरा गया है ये दिल घबरा गया है। और राम जी कहते हैं कि सीता जब मैं अयोध्या लौट कर जाऊंगा, मैया कौशल्या पूछेंगी, सभी अयोध्या वासी पूछेंगे तुम्हारी पत्नी सीता कहाँ है, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? सुनो, पूछी अवध की वासी पत्नी कहाँ है राजा राम की, गया है ये दिल घबरा गया है।
घबरा गया है, दिल घबरा गया है। आज सुखगुरु जी महाराज कहते हैं कि अब जैसे ही इधर भगवान राम लक्ष्मण रो रहे हैं, तो भगवान भोले बाबा ने जैसे ही प्रणाम किया है तो मैया सती के मन में शंका उत्पन्न हो गई। शंका ये हुई, मैया विचार कर रही है कि हमारे पति तीनों लोकों के स्वामी हैं, कि शंकर जगत बंधु जगदीशा सुर नर मुनि सब नामही सीसा, सभी ऋषि मुनि देवी देवता इन्हें प्रणाम करते हैं, शीश नवाते हैं, तपस्या करते हैं, और लेकिन आज ये हमारे भोले बाबा हमारे ही पति इन साधारण राजकुमारों को प्रणाम कर रहे हैं, आखिर ये कौन हो सकते हैं? मैया के मन में जब शंका हो जाती है तो उसी समय बोले बाबा खड़े हो गए, बोले सती क्या बात है? बोले महाराज कोई बात नहीं है। बोले देवी नारियों को अपने पति या किसी के दूसरे के प्रति शंका नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज शंका तो ना करें, लेकिन शंका वाली बात है। क्या बात है? शंका इस बात की है कि आप तीनों लोकों के देवता हो, सभी तुम्हें प्रणाम करते हैं, लेकिन तुम इन साधारण राजकुमारों को प्रणाम क्यों कर रहे हो? ये कौन है? तो जैसे ये कहा तो उसी समय